तो 12वीं के बाद किसी को कमर्शियल पायलट बनना है तो एक साल में 18 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर उसको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है तो एनडीए का 100 रुपए का फॉर्म है। अगर लड़कियां हैं तो वो 100 रुपए भी नहीं लेते गवर्नमेंट। अगर वो बच्चा 12वीं में है, 11th और 12th में, और उसने ये फॉर्म भर दिया और सेलेक्ट हो गया, वो 4 साल में उसका ट्रेनिंग फ्री है, खाना पीना फ्री है, और उसकी उम्र होती है 17 और 4 कितना हो गया 21, 15 साल सर्विस किया तो 36 इयर्स में रिटायर हो सकता है। रिटायर होकर जब बाहर आता है तो प्राइवेट एयरलाइन उसको 1 महीने का क्या पकड़ देते हैं, कम से कम 6 लाख। ये बात का अवेयरनेस ही नहीं है। और कमर्शियल पायलट पढ़ने जाएगा 4 साल, कोई गारंटी नहीं जॉब का। और ये 19 साल तक बच्चा एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसी तरह से वो, जैसे सर ने बताया, हमारे बच्चे सब एनडीए छोड़ के JEE और नीट करते हैं। आप नीट भी करो ना, नीट के साथ आप AFMC का भी एग्जाम दो। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में अगर आपके बच्चों को नीट में कर्नाटका में भी सीट मिला तो भी गवर्नमेंट सीट को पैसा भरना पड़ता। लेकिन अगर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, 120 में से 20 सीट लड़कियों के लिए, आपका MBBS गवर्नमेंट के खर्चे पे होगा। MBBS के बाद MD बनेंगे तो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे होगा। आपको बाहर पढ़ना है तो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे होगा। 15 साल के बाद रिटायर हो जाओ, डिस्पेंसरी स्टार्ट करो। इस चीज का अवेयरनेस नहीं है। नेवी का है एक अभी नया चीज है लड़कियों के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़कियां सोचती है कि हिजाब का मसला है, ड्रेस का मसला है। और ये मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाह रहा हूँ, ये कई लोगों को पता नहीं है। इसका नाम है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। 12वीं के बाद हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, हर बच्चे को नीट में 600 मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी को 200-250 मार्क्स मिलेंगे, वो क्या करेंगे? तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म भर सकते। 12वीं के बाद उसको 1 लाख रुपये का पगार है, उसको स्टार भी मिलता है और मिलिट्री का नर्सिंग पूरा नर्स, सिर्फ लड़कियां ही जा सकती है और पढ़ाने वाले भी लड़कियां। अभी हमारे मेजर जनरल उधर एक्सप्लेन कर रहे थे, उतना सब ये आते कुर्द से, कुर्दी लोग हैं ना, कुर्ग के लोग हैं, तो यही लोग हैं ज़्यादा करके जो मिलिट्री में जाते हैं। जनरल थिमैया साहब, ये सब उन्हीं के खानदान से, ये भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन उन्हें अपने आप को लड़ाकू कौम समझा और आगे निकल गए। 3 मेजर जनरल इंडिया के इनके गाँव से, कुर्ग से, और कुर्ग कर्नाटक में आता। तो ये MNS करना, कोस्ट गार्ड एक ऐसा है, मतलब मैं केरला से हूँ, पूरे के पूरे लड़कियों के लिए सेपरेट ब्रांच है। अच्छा, किसी को मैथ्स से डर लगता है, कोई ये समझता है कि मैथ्स नहीं आया तो ऑफिसर नहीं बन सकता, तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है जहाँ पे बगैर मैथ्स का भी आप ऑफिसर बन सकते हो। चाहे लड़का हो या लड़की हो या किसी भी लेवल का हो, अगर उसके अंदर थोड़ा जनरल नॉलेज है, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा इंग्लिश है, थोड़ा साइकोलॉजी है, तो वो बगैर माँ बाप के पैसे से आगे अफसर बन सकता। यूट्यूब में देख के छोड़ना नहीं, जैसा भी परवेश साहब जो कर रहे ना, इसका अवेयरनेस नहीं है। हमारा कम्युनिटी क्या सोचता, भाई मैं तो फ्रूट बेच के 2000 कमा रहा, तो महीने में कितना हो गया अनीस भाई, 60,000 तो मैं कमा रहा हूँ, आप मेरे बच्चों को मरने के लिए 30,000 के लिए नौकरी क्यों दे रहे? लेकिन वो ये नहीं जानता कि अग्निवीर है, अग्निपथ है। अभी 2 चीज़ गवर्नमेंट का जो नया स्कीम है ना, ये 30,000 रुपये आपको हर महीना मिलता है, ठीक है, 5 साल तक 30,000 रुपये मिलेगा। 12वीं के बाद बच्चा ग्रेजुएशन हो जाए। मेजर जनरल साहब ने क्या कहा कि मेरा ग्रेजुएशन इसलिए हुआ कि मैं आर्मी में था, पढ़ाई भी गवर्नमेंट के पैसे पे, 5 साल की नौकरी देंगे हम, और 5 साल में 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएट होने के बाद आप एग्जाम देके फिर ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, नहीं हो गया 5 साल में, उन्होंने 25% को लिया, बाकी लोगों को नहीं लिया, फिर भी आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री दे रहे और 12 लाख रुपये आपके हाथ में दे रहे 5 साल के बाद, तो लोग उसको इश्यू बना के 200 करोड़ का प्रॉपर्टी जला दिया। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं, हमारे बच्चे तो टिकटॉक पे वीडियो बनाते बैठते रात में, कितने बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं। 12 के बाद अगर हम क्या सब हम फ्रूट का धंधा करेंगे, ग्रेजुएशन होगा, एक बच्चा भी अगर ऑफिसर बन जाता, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाएगा, अच्छा जवान क्यों ना हो, वो उसके पूरे खानदान को ऊपर लाएगा। और शहीद का समझो, वो शहीद हो गया देश के लिए, शहीद का दर्जा।